क्या घटिया फिल्म है ऐसा सब बोल रहे हैं, फिर भी मैं ये मूवी देखने गया और मैं कहाँ दम था। अरे भाई, ये पिक्चर में ही दम नहीं है। अजय देवगन और तब्बू ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, ऐसा मैं बोल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये पिक्चर इतनी बोरिंग लगी, इतनी बोरिंग लगी कि मैं आधी पिक्चर में ही घर वापस जाने वाला था। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि पैसे दिए हैं तो सो के जाओ, इसलिए मैं आधी पिक्चर में ही सो गया। जब इंटरवल पड़ा तो मैं थोड़ा खाने को चला गया और बाद में वापस आके सो गया। पूरी मूवी में हमें सीरियल जैसी वाइब आती है और इतनी बोरिंग लगती है। ये फिल्म तो सास बहुओं को देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी और उसमें ज़्यादा उस लोगों को मज़ा भी आएगा। मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि पिक्चर देखने जाओ तो मेरा ये रिव्यू पहले देख लेना, क्योंकि आप लोगों को पछतावा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने किस मूवी पे कितने सारे पैसे गवा दिए। ये मूवी में अजय देवगन ने जो काम किया है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अजय देवगन ऐसा काम करेंगे, क्योंकि लास्ट की 3 फिल्में उसकी ब्लॉकबस्टर रही है, तो इस फिल्म से ज़्यादा उम्मीद हमको थी, इसीलिए तो हम ये फिल्म देखने गए। लेकिन क्या देखने को मिला? ड्रामा, ओनली ड्रामा। जब ये मूवी मैं देखने गया तो मेरे घर वाले ने मुझे बोला कि ये मूवी अच्छी होगी तो हम भी देखने आएंगे। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? मूवी घटिया है? मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि अजय देवगन की फिल्म घटिया तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रेलर में ही आपको पूरी मूवी दिखा दी गई है। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो YouTube पे जाओ और मैं कहाँ दम था रिव्यू देख लो, किसी का भी रिव्यू देख लो, किसी का भी अच्छा रिव्यू नहीं आया है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी मूवी देखने का प्लान करो तो पहले रिव्यू देख लो। मेरा रिव्यू नहीं देखते तो दूसरे का भी रिव्यू देख लो, क्योंकि पैसे आपके जाने वाले हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। मैं आपको सही मूवी रेकमेंड करूँगा देखने के लिए।